कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रतीक बोराडे जी को जवाब दीजिए, उन्होंने OMG2 को 0 स्टार के भी लायक नहीं ये बोला है और -10 स्टार्स दिए। तो मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा भाई, बहुत बड़ा वीडियो है। मैंने थोड़े से कुछ पॉइंट्स वहाँ पे देखे उनके। मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, देखो ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, पर मैं एक ही बात कहूँगा। सबसे पहली बात तो भाई ठीक है, जो आपके पॉइंट्स हैं वो मैं सब एग्री करता हूँ, जितने भी मैंने, हालांकि फुल वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, सब कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वाई यू ऑलवेज टारगेट अक्षय कुमार मेरे भाई? आई मीन मैं देखता हूँ, ठीक है आपने राम सेतु को अच्छा बोला था, मैं भी एग्री करता हूँ, आपने बहुत सी मूवीज़ को अच्छा भी बोला था, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हो OMG2 मूवी? हाँ ठीक है, अक्षय कुमार ने इस बार अपने वो ऐसी मूवी नहीं करते, ये मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आपने ये देखा क्या? अक्षय कुमार को बीच में घुसड़ने से अच्छा है, हाँ मैं मानता हूँ पंकज त्रिपाठी तो कैसा है वो मैं भी मानता हूँ, पूरा आपने जो बोला वो एकदम एग्री उस मामले में, लेकिन अक्षय को बीच में घुसाड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या ये मूवी 100% पूरी की पूरी अक्षय की है क्या? अक्षय कुमार की है मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अक्षय कुमार का रोल अलग है। क्या उनका रोल में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है? नहीं, जो भी है वो पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स जो भी है था वो, उस अकॉर्डिंग मैं एक ही बात कहूँगा। फिर भी ओवरऑल एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि पूरे कोविड में जो 25 करोड़ की हेल्प सबसे, अरे बॉलीवुड वालों ने किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, कोविड में 25 करोड़ की हेल्प की अक्षय कुमार ने, पीएम मोदी को वो ट्रस्ट में डाले थे, 5 करोड़ उन्होंने महाराष्ट्र के भी इसमें डाले थे, 30 करोड़ की हेल्प, भाई कौन सा बॉलीवुड का आपको देखने को मिलता है करने का? नहीं, यहाँ पे मैं डिफेंड क्यों, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, अक्षय कुमार को बॉलीवुड ने आगे किया है ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अक्षय कुमार को इस फिल्म से उतना, अगर आप लॉजिक से देखो, अक्षय कुमार सेल्फी जैसी फिल्मों को तक बहुत प्रमोट करते, कंटिन्यू इधर जाए उधर जाए, कपिल शर्मा इधर उधर, OMG2 को प्रमोशन करने में 2 से 3 बार तो अक्षय कुमार खुद थे ही नहीं, आप देखोगे पंकज त्रिपाठी यामी गौतम थी। तो ये हो भी सकता है कि अक्षय कुमार ने ये जो टॉपिक है वो शायद करना भी ना चाहते हो, उन्होंने वो टॉपिक क्योंकि उनकी जो पिछली 4-5 फिल्में फ्लॉप गई है तो उन्होंने वो करके देखा है कि नहीं भाई इस बार फ्रेंचाइजी के साथ आते हैं, क्योंकि अगर अक्षय कुमार को करना होता भाई वो एक्शन मूवी डालेंगे ना तो भी वो ब्लॉकबस्टर देंगे, लेकिन वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शायद उनके फैंस चाहते हैं कि उन कुछ डिफरेंट करे वो। और चलो ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है -10 ये जो भी आपने सब कुछ जो बोला, मैं एक बात बोलूँगा, हर मूवी को उस टाइप से देखने की क्या ज़रूरत है? सब मूवीज़ को कि भाई इसमें ये है उसमें वो नहीं है, इस टाइप पे ये वो नहीं होना चाहिए था उस टाइप पे। तो सर जी आप वैसे देखा जाए तो माला माल हो चुके हैं, तो भाई आप ही एक मूवी निकाल दो, अक्षय कुमार सर को तो नहीं अगर लोगे तो यार किसी और को लेके, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाला एक मूवी निकालो कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो वाला, क्योंकि आपको उससे भी प्रॉब्लम है, आपने ना उसने ये क्यों किया, उस हीरो ने वो, क्योंकि हाँ चलो मैं बाकी एक्टर्स को तो मैं उतना भाव देता भी नहीं हूँ क्योंकि जो सच है वो सच है, अक्षय कुमार का कंपैरिजन बाकी किसी से होता ही नहीं, क्योंकि भाई वो आदमी को ना अपनी देशभक्ति प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोविड में किसी भी एक्टर सामने नहीं आया था, इस आदमी ने भाई 30 करोड़ हलवा लगता है क्या आपको हेल्प करना? अरे ठीक है, अगर आदमी वो एक मूवी में अगर 100 करोड़ भी कमाता होगा ना तो भी दिल होना चाहिए, 30 करोड़ जोक नहीं है बॉस। सलमान खान एक बिग बॉस के शायद 12 या 32 लाख लेता था ना एक एपिसोड के, मुझे एग्जैक्टली उसका कोई अमाउंट नहीं पता, 12 करोड़ पकड़ लो, 32 करोड़ मुझे याद नहीं, 6 या 12 करोड़ अमाउंट मैंने सुनी थी, एक एपिसोड के 12 करोड़ लेने वाले आदमी ने कितनी हेल्प की रे बोलो कोविड में, नहीं 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 ओपनली बोलो ना कहाँ किया कुछ, तो भाई प्लीज़ ये बताने की ज़रूरत नहीं। और हाँ दूसरी बात, अक्षय कुमार ना अपनी फिल्मों को बहुत प्रमोट करते हैं वैसे देखा जाए तो, इस मूवी को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है, आप समझ रहे हो, मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये मूवी एक रिस्क लेने के लिए ली है, उसका 100% समर्थन नहीं कर रहे हो वो उस चीज़ का। तो अक्षय कुमार ने ओपनली आके इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला नहीं है जो पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम ने बोला होगा, और पंकज और यामी ही सब जगह पे गए हैं, तो अब ये भी सोचो कि अक्षय कुमार 100% एग्री नहीं भी होंगे, पर उनको करना पड़ा क्योंकि उनके फैंस उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, अब जाके एक हिट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि मिल रहा है हिट। मैं बहुत सैड था राम सेतु के वक्त कि भाई अच्छी मूवी को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, पर बाद में मैंने फैंस को बहुत जगाया,
मैं खुद को नहीं क्रेडिट दूंगा, बहुत से लोगों ने भी जगाया, पर मैंने बोला कि भाई आप अगर इस बार नहीं सपोर्ट करोगे ना, फिर बोलना मत कि आप अक्षय के फ़ैन हो। ये मूवी मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, टारगेट रखो भाई 150 से 200 करोड़ नेट कलेक्शन। आप क्लैश को छोड़ दो बाजू, 150 से 200 करोड़ आपको आपकी मूवी नेट कलेक्शन करवानी है विथ ए सर्टिफिकेट। भाई पहला बंदा होगा जो 200 करोड़ ए सर्टिफिकेट के साथ दे देगा, मुझे तो लगता है नेट कलेक्शन अगर कर दिया ना भाई, 16वां 100 करोड़ हो गई ना, तो 16वीं 100 करोड़ वाली मूवी है शायद अक्षय कुमार सर की। मुझे हाँ, 16वीं 100 करोड़ तो भाई आपके किंग खान के भी तो पास नहीं है भाई। प्लीज़ ये ना ये चीज़ें बंद करो कि अक्षय कुमार ने ये किया, उसको मत घसीटो घसीटो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद होगा भी सही, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने एक घंटे का वीडियो भाई मैं उतना नहीं हूँ कि भाई मैं देखते रहूँ। मैंने कुछ एक 4-5 पॉइंट्स आपके पढ़े, वो श्लोक वगैरह सब सब कुछ एग्री है मेरे भाई, पर ना इसमें अक्षय कुमार को मत घसीटो। उसने लिखे क्या, राइटर है क्या वो? हाँ, और उसने अगर साइन की मूवी, अगर आपने मूवी देखी होगी, क्या उनका कोई ऐसा बिहेवियर आपको दिखा क्या उस मूवी में कि उनको टारगेट किया जाए? उन्होंने साइन की मूवी, बस क्या उन्होंने जाके प्रमोट किया क्या? नहीं नहीं भाई, सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, ये है वो है क्या कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ, जिनको उस चीज़ से अगर प्रॉब्लम है भी, हालांकि होना नहीं चाहिए, पर अगर है, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बोला है ना जाके, सब जगह पे जाके घर घर जाके कुछ। तो यार किसी को टारगेट करना, टारगेट तब करो ना जब उस आदमी ने कोई गलती की होगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि करो भाई टारगेट, बॉयकॉट मारो, मैं तो कह रहा हूँ भाई जितना बॉयकॉट मारोगे ना उतना फ़ायदा होता है मूवी को, करो बॉयकॉट, मैं तो बोल रहा हूँ। OMG 2 को भी कोई नहीं रोक पाएगा सुपर हिट होने से, मैं तो हिट भी नहीं चाहता हूँ, मैं सुपर हिट चाहता हूँ वो मूवी। ब्लॉकबस्टर गई तो भाई सोने पे सुहागा, लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट जो डिजास्टर फ्लॉप वाला जो एक झमेला था वो निकल लिया। और OMG 2 ना चढ़ेगी, चढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं कि गिरेगी, क्योंकि इसके रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। हाँ, अक्षय कुमार सर ने, मैं एक बात से कंप्लीट एग्री करता हूँ कि ये बॉलीवुड की फिल्म है, बॉलीवुड ने इस मूवी का सपोर्ट किया, क्योंकि बॉलीवुड का जो प्रोपोगंडा वगैरह जो लोग बोला जाता है समहाउ, वो खुश होंगे अक्षय कुमार के इस फिल्म से। मैंने ये 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, याद करो, इसमें बॉलीवुड ने अक्षय कुमार पे एक ऐसा दाव खेला है कि आइधर वो सब कुछ जीतेगा या फिर सब कुछ हार जाएगा। यहाँ पे वो सब कुछ जीत रहा है, तो बॉलीवुड की अभी तो वो कर रहे हैं प्रमोट, लेकिन बाद में बहुत जलने वाली है बॉलीवुड की। तो अक्षय कुमार को भी 100% आज तक सपोर्ट नहीं मिला है बॉलीवुड की तरफ से, आप बात को समझो। तो भाई जो ऑलरेडी अकेले है, उनके फैंस ने उनको सपोर्ट करने लगे हैं, अब कुछ अच्छा होने लगा है उनके लाइफ में, तो बेवजह टारगेट करके क्यों भाई निगेटिविटी फैला। और एक बार एक ओपनली बोल रहा हूँ, एक बार ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ BMCM आने दो रहे, सबको जवाब मिलेगा कि एक्शन का रियल खिलाड़ी कौन है। हाँ, खुद के स्टंट खुद करना, अरे ये लोग हालांकि खुद का बॉडी तक रियल नहीं दिखाते ये लोग, वो आदमी खुद के स्टंट, वो एक याद है आपको एक ऐसा पैराशूट वाला एक बलून पे खड़ा है अक्षय कुमार, वो रियल स्टंट करके दिखाया भाई इन लोगों में से कोई आदमी। प्लीज़ यार उसको टारगेट ना करो, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत शांत दिमाग से ये वीडियो मैंने बनाया है। अब धमकी बोलो कुछ भी बोलो, बेवजह का ना टारगेट करना मुझे पसंद नहीं किसी को भी। और ये जो बोलते हैं ना कैनेडियन ये वो, 25 करोड़ और 30 करोड़ जो आदमी भारत में देता है ना, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं आप लोगों की कि वो कौन है, इंडियन है या कौन है। ये लोग तो ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट करने वाले जो लोग है, गदर की साइड लेने वाले, वो गदर की साइड नहीं, गदर को अपोज करने वाले, वो खुद तो पाकिस्तानी है। मूवी कैसी भी हो उसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद है ना, बात ख़त्म। और मूवी तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जा रही, बॉलीवुड की पूरी जली पड़ी है, वो तो अच्छा लगा सलमान का पोस्ट देख के सपोर्ट किया। और मैं सच बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार सर के साथ क्लैश ना होता ना, अक्षय कुमार सर पहले पोस्ट डाल देते मूवी को लेके, अभी खुद ही वो थोड़ा प्रेशर में है कि भाई ये मूवी चल जाए। तो एक बात बोल रहा हूँ, अभी अक्षय कुमार के पास शायद 11 मूवीज़ है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ एक मूवी भी फ्लॉप करके दिखाओ नहीं जाएगी। OMG 2 पहले दिन ही, अब तो हिट होना शुरू हो चुका है, OMG 2 का मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, OMG 2 भी कंटिन्यू रहने वाली है, ये 1-1.5 महीना नहीं निकलने वाली। आप कितना भी बोलो जवान आने के बाद गदर 2 OMG 2 निकल लेंगे, स्क्रीन्स रहेंगे उसको। हाँ, एक बात मैं ये भी बता दूँ कि अक्षय कुमार की जो OMG 2 है उसके भी शोज़ बढ़ाए गए हैं, जो रॉकी रानी वो जो करण जौहर की घटिया कहानी थी ना, उसके भी शोज़ हटा के अक्षय कुमार के OMG 2 के भी लगा दिए, यानी कि अब थिएटर ओनर्स दोनों मूवीज से कमाना चाहते हैं। तो सीधी बात है भाई, बेवजह ना ये करके कुछ मिलने नहीं वाला है। और अक्षय कुमार जो भी कर रहा है ना, क्योंकि अब वो एक
कुछ अलग करके देखना चाहता था और उसने किया और वो सक्सेसफुल हो गया। अब वो अपनी मूवीज़ पर आएगा, चाहे वो स्काई फोर्स हो, हाउसफुल फाइव, स्काई फोर्स ही है ना वो आई थिंक, कैप्सूल गिल हो, BMCM हो, हेरा फेरी हो, वेलकम। हाँ बुरा मुझे ये लग रहा है कि वो जो वेलकम या हेरा फेरी में हो जो डायरेक्टर से, वो अहमद खान और फरहत सामजी, वो साले पागल है वो। वो थोड़ा सा अक्षय कुमार जी ने थोड़ा सा उसमें बीच में आके चेंज करना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी मैं कहूँगा वो नाम पे चलने वालों में से। आवारा पागल दीवाना 2 जल्दी आनी चाहिए मैं चाहता हूँ। तो भाई प्लीज़ अक्षय कुमार को बीच में ना लाओ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी आपकी चॉइस, आपको जो कहना है कहो। मुझे पता है आप रोज़ एक ना एक वीडियो लाओगे OMG2 पे अगले एक वीक पर। हाँ कुछ लोगों के साथ चर्चा भी करते हो आप, मैं अभी देखा हूँ, वो भी लाओगे आप तो लाइए। पर अगर आपकी बातों से मूवीज़ हिट और फ्लॉप होती ना भाई, तो भाई आप कुछ और होते, या फिर ये जो सी कुमार है ना, वो जो गदर को गालियाँ देने वाला, सी कुमार ही बोलता हूँ मैं उसको, सूरज नहीं बोलता, सी कुमार करेक्ट है उसका नाम। और वो मोटी आंटी, वो भी गदर को फ्लॉप करने का देख रही है, हो नहीं पा रही है। वो मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पहले ही दिन हो गई, और आप OMG2 को गिराना चाहते हो, वो भी मूवी पहले ही दिन हिट हो गई। कहाँ जाओगे आप, उस ऑडियंस को कितना बोलो, उनको क्या जवाब दोगे जब ये मूवीज़ अच्छी चलने लगी है। तो मैं तीनों को बोल रहा हूँ, वो आंटी को भी, ये कुमार को भी, और ये इसको बोराड़े को भी बोल रहा हूँ मैं, और जो भी कुछ वो साहिल वाहिल, उनको तो गिनता भी नहीं, वो नल्ले लोग हैं। उनका क्या है, उनके नाम में ही पता चलता है कि वो खान है, तो वो क्या देश को प्यार करेगा, उसको तो पाकिस्तान पसंद आएगा, तो उससे उम्मीद नहीं है। वो अच्छा लगा भाई, आमिर अंसारी ने दोनों भी फिल्मों को सपोर्ट किया, लेकिन उसका भी तो थोबड़ा बंद था ना जब वो केरला स्टोरी आई थी। कहने का मतलब ये सब दुगले ही लोग है, और ये आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और इसमें मैंने एक भी बार उस आदमी को रोस्ट नहीं किया है बॉस, क्यों मालूम है? कुछ पॉइंट ऑफ व्यू उसके सही है, बॉलीवुड कैसा ही है मैं भी एग्री करता हूँ, पर डोंट टारगेट हीम बॉस, क्योंकि मैं अभी शांत हूँ, मुझे पसंद नहीं है बेवजह अक्षय कुमार सर को टारगेट करना। ओके एक बार खैर जाने दो, सटक गई तो सटक गई यार, टेक केयर।